नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्थ एंड स्पेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 बिल्कुल ही अनोखे और खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट मार्टिन में। प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत मनमोहक हवाई अड्डा है। ये एयरपोर्ट एक छोटे से बीच के किनारे पर बना हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब प्लेन यहाँ लैंड होता है तो ऐसा लगता है जैसे लोगों के सर को छू लेगा, लेकिन प्लेन कुछ ही फीट की ऊंचाई पर होता है और लैंड करता है। ये नज़ारा बहुत मनमोहक है और बहुत खतरनाक भी है। कुछ लोग इसे देखकर सहम जाते हैं और कुछ इस पल को कैमरे में कैद कर लेते हैं। इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग के टाइम अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो प्लेन बीच पर टकरा सकता है, इसलिए यहाँ लैंडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सिर्फ वेल ट्रेंड पायलट्स ही यहाँ लैंडिंग करते हैं। 12 एयरपोर्ट। 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बार की खाड़ी में बना हुआ है, जो स्कॉटलैंड में है। एक छोटे से रनवे के साथ ये बेहद खतरनाक हवाई अड्डा है। 12 एयरपोर्ट समुद्र तट को अपने रनवे के रूप में यूज़ करता है, यानी यहाँ का रनवे पानी में बना हुआ है। यहीं से फ्लाइट उड़ान भरती है और यहीं लैंडिंग भी होती है। इसकी एक झलक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये एयरपोर्ट जितना मनमोहक है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि पानी पर लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं है। 12 एयरपोर्ट पूरी दुनिया में अपने जैसा एक इकलौता हवाई अड्डा है। कॉर्चेवल एयरपोर्ट। फ्रांस में मौजूद कॉर्चेवल एक बेहद खतरनाक हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट का रनवे बहुत छोटा है और इसे ढलानदार बनाया गया है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। ढलान के कारण उड़ान भरने और लैंडिंग के टाइम पायलट के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के ब्रेक्स फेल हो गए थे और प्लेन फिसलकर बर्फ की पहाड़ी से टकरा गया था। इस एयरपोर्ट पर लैंड करना हर पायलट के बस की बात नहीं है। साबा एयरपोर्ट। साबा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे छोटा और खतरनाक एयरपोर्ट है। ये नीदरलैंड के पास एक टापू पर बना हुआ है। ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है जिस पर एक पतली सी सड़क है। इसके ट्रैक की टोटल लंबाई सिर्फ 400 मीटर है और इसके आगे और पीछे दोनों तरफ पानी ही पानी है। अगर लैंडिंग के टाइम प्लेन की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो विमान सीधा पानी में जा गिरेगा, और अगर उड़ान भरते वक्त थोड़ा लेट हो गए तो भी जहाज़ पानी में गिरेगा। इसलिए इस एयरपोर्ट पर बहुत ध्यान से लैंडिंग करनी पड़ती है और बहुत ध्यान से ही उड़ान भरनी पड़ती है। अंटार्कटिका एयरपोर्ट। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ के इलाके हमेशा बर्फ की चादर से ढके रहते हैं। अंटार्कटिका में बना मैकमर्डो एयर स्टेशन, जो दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है, इसके रनवे पर विमान की लैंडिंग करना किसी जंग लड़ने के बराबर है, क्योंकि रनवे ज़्यादातर बर्फ से ढका रहता है। बर्फ के कारण इस रनवे पर किसी भी विमान की लैंडिंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कोई विमान लैंडिंग करता है तो उसके फिसलने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में विमान को लैंड करना चुनौती भरा काम होता है। तोकांती एयरपोर्ट। तोकांती अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में सुरक्षित लैंडिंग के लिए पहाड़ों के बीच में से गुजरना पड़ता है। ये समुन्द्र तल से 3000 फीट की ऊँचाई पर बना हुआ है। तोकांती हवाई अड्डे पर विमानों को उतरने के लिए 45 डिग्री कोण पर 7000 फीट नीचे घाटी में बनी हवाई पट्टी तक पहुंचना पड़ता है। आसपास के पहाड़ी इलाके की वजह से यात्री हवाई पट्टी पर उतरते समय थोड़ा सहम जाते हैं। लगातार तेज हवाओं के चलने से पायलट को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कभी पायलट थोड़ा सा भी अपने रास्ते से दूर हो जाए तो प्लेन पहाड़ी से टकरा सकता है। स्काइथोस एयरपोर्ट। ग्रीस के स्काइथोस एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान वहां मौजूद यात्रियों के बेहद करीब से गुजरता है। इस दौरान जहाज और लोगों के बीच की दूरी कुछ ही फीट की होती है।
ऐसा लगता है मानो विमान लोगों के सर को छू लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें लोग थोड़े सहम भी जाते हैं और इस पल को अपने कैमरे में कैद करते भी नजर आते हैं। विमान एक छोटी सी सड़क पर उतरता है और यहीं से उड़ान भी भरता है। प्लेन लैंडिंग का यह नज़ारा जितना मनमोहक है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर लैंडिंग के टाइम थोड़ी सी भी चूक हो गई तो कई लोगों की जान जा सकती है। इसलिए सिर्फ वेल ट्रेंड पायलट्स ही यहाँ लैंडिंग करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना।